हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एमआर एकेडमी। तो फाइनली काफी टाइम बाद मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा अलग हटके टॉपिक है। मैं अपने एक्वेरियम के पास नहीं हूँ, बोर्ड के पास हूँ। मैं आज के ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा चलने सोच रहा था, इसके लिए मैं सोचा कि चलो बोर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ा। तो आज जो है मेरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरा बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चंस करते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, हमारे कमेंट्स में, कि मैं मुझे ये जो भी साइज़ का उनको एक्वेरियम बनाना होता है तो उसके लिए कौन सी ग्लास वो यूज़ करें और कैसे वो एक्वेरियम बनाएं। तो उस टॉपिक पर मैं आज जो है पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं 1 फीट से लेके 8 फीट तक के जो भी एक्वेरियम जो भी बनाना चाहता है, तो जितनी नॉलेज मुझे है मैं बना चुका हूँ वो एक्वेरियम, तो मुझे उतना पता है कि कौन सी ग्लास यूज़ करना चाहिए, कैसे ब्रेसिंग लगाना चाहिए, उसकी कितनी ब्रेसिंग लगाना चाहिए, कितने थिकनेस की, कितने एमएम थिकनेस की जो ग्लास यूज़ करना चाहिए, वो आज सब चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं हर टैंक बनाने के लिए 2 टाइप का ब्रेसिंग यूज़ करना होता है। तो वो 2 टाइप की ब्रेसिंग को एक यूरो ब्रेसिंग बोला जाता है और एक में सेंट्रल ब्रेसिंग बोला जाता है। तो जो यूरो ब्रेसिंग होती है मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है। जैसे समझ लीजिए ये हमारा टैंक है, ये हमारा टॉप व्यू है टैंक का। तो उसके अंदर ये जो साइड के जो ब्रेसिंग लगाते हैं, ये चारों साइड में जो ब्रेसिंग लगाते हैं इसको यूरो ब्रेसिंग बोला जाता है। और उसी के अंदर अगर सेंटर में हम ब्रेसिंग लगा देते हैं तो इसको सेंटर ब्रेसिंग बोला जाता है। तो समझ लीजिए ये हमारे टैंक का जो टॉप व्यू है, तो उसके अंदर जो साइड की जो ब्रेसिंग होती है उसको यूरो ब्रेसिंग बोला जाता है, इसको सेंटर ब्रेसिंग बोला जाता है। और आम लोकल लैंग्वेज में इसको सपोर्ट पट्टी भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ पर जो अगर बनाने वाला कोई है तो वो सपोर्ट पट्टी बोलता है, तो उसका मतलब यही होता है, उसको इंग्लिश में ब्रेसिंग बोलते हैं बस। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे 1 फीट के एक्वेरियम के हिसाब से। अगर किसी को 1 फीट का एक्वेरियम बनाना है, जैसे कि 1 फीट का, तो मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि वो बनाए, क्योंकि एक बेटा फिश हो गई और थोड़ी बहुत छोटी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी मछलियाँ हैं उनके लिए ही वो एक्वेरियम बना सकते हैं 1 फीट का। तो उसके लिए समझ लीजिए जैसे 1 फीट बाय 1 फीट, मतलब उसकी जो लेंथ है, डेप्थ है और जो हाइट है, वो तीनों भी अगर 1-1 फीट की है तो आप उसको 5 mm की ग्लास से बना सकते हैं। आप उसको 4 mm की ग्लास से भी बना सकते हैं, बट 5 mm की ग्लास से स्टार्ट करना ही सही है, क्योंकि 4 mm की ग्लास बहुत पतली हो जाती है। अगर कहीं से भी इसको कुछ भी लग गया, कुछ ठोकर लग गई, कुछ भी हो गया, तो वो फौरन ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए 5 mm की ग्लास से ही स्टार्ट करना सही होता है। तो 1 फुट 1 फुट 1 फुट हो गया। तो अगर इसके अंदर ही अगर आप चाहें तो 1 फीट बाय 15 इंच इंटू 1 फीट, जैसे समझ लीजिए अगर इसके आपको जो 1 फीट की लेंथ हो गई, उसकी हाइट 1 फीट हो गई और चौड़ाई जो है आपने 15 इंच कर दी, तो उसको भी आप 5 mm से बना सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो 1 फीट इंटू 1 फीट इंटू 24 इंचेस, अगर आप 2 फीट की हाइट देते, अगर 2 फीट की हाइट देना जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अगर आप एक्वेरियम बना रहे हैं आप उसको 15 इंच या फिर 18 इंच तक के अगर आप बनाते हैं तो वो सेफ होता है, बट 18 इंच के ऊपर चला जाता है। और 20 इंच तक भी बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं होती, बट 20 इंच के ऊपर अगर आप एक्वेरियम बना रहे हैं तो आपको अपनी ग्लास बहुत ज़्यादा थिकनेस वाली चाहिए, मोटी चाहिए, क्योंकि पानी का प्रेशर जो है ऊपर हो जाता है बहुत, मतलब कैसा हाइट बड़ी बढ़ जाती है तो पानी का प्रेशर जो है ग्लास पर बहुत ज़ोर से पड़ता है, तो उसकी वजह से ग्लास का लीकेज भी होता है और ग्लास ब्रेक भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर आपको इतना बनाना है तो आपको ये 6 mm लेना पड़ेगा ग्लास। तो ये हो गया 1 फीट का। तो 1 फीट का आप एक्वेरियम आप चाहे तो इसको 15 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ पर इसकी डेप्थ है, तो ये आप देख सकते हैं ये 1 फीट का हो गया। तो ऐसे ही मैं आपको 8 फीट तक बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको जो जितने भी साइज़ का एक्वेरियम बनाना है तो वो साइज़ के हिसाब से सोच लीजिए कि इतनी लंबी वीडियो होगी, तो आप उतना स्किप करके देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम बात करेंगे अगर 2 फीट के एक्वेरियम की। तो अगर आप 2 फीट का एक्वेरियम बनाना चाहते हैं, यानी कि 24 इंचेस इंटू 12 इंटू 12, तो अगर आपको इतना एक्वेरियम बनाना है, ये साइज का बनाना है, 12 इंचेस होते हैं, तो 24 इंच लेंथ यानी 2 फीट का और 1 फीट बाय 1 फीट का, तो इसको भी आप अपने 5 mm की ग्लास से बना सकते हैं, और ज़्यादा मजबूती के लिए 6 mm का भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर आपको 24 इंचेस इंटू 15 बनाएंगे तो भी आप इसको 6 mm की ग्लास से बना सकते हैं, एंड 24 इंचेस इंटू
15 into, और अगर हाइट अगर आप 24 इंचेस कर रहे हैं तो आपको इसको 6 mm की ग्लास से बना सकते हैं, बट आपको इसके अंदर ब्रेसिंग लगाना पड़ेगी। ब्रेसिंग लगाने के लिए आप देख सकते हैं, ये आपका टॉप व्यू है, तो ये आपको कम से कम इसके अंदर यूरो ब्रेसिंग करना पड़ेगा। साइड की यूरो ब्रेसिंग नहीं करेंगे तो चलेगा, आपको सिर्फ फ्रंट की यूरो ब्रेसिंग करना होगा। अगर आप हाइट बढ़ा देते हैं तो आपको ब्रेसिंग लगानी पड़ेगी। नहीं ब्रेसिंग लगाना है तो आप इसको डायरेक्टली 8 mm के ग्लास से बना लीजिए, आपको ब्रेसिंग नहीं लगाना है, यूज करेंगे तो चलेगा। तो आपको अगर बढ़ाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप साइज के हिसाब से। तो अभी हम बात करेंगे 3 फुट के एलिवेशन की। तो 3 फुट के बिलिंग के हिसाब से अगर आप बनाना चाहते हैं तो 36 inches into 12 into 12 equal to, मतलब इसको आप बना सकते हैं 8 mm की ग्लास से। 8 mm की ग्लास से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपको ब्रेसिंग नहीं चाहिए तो आप 8 mm से बनाइए, अगर आपको ब्रेसिंग लगाना है तो, अगर आपको मतलब आपको बजट ज़्यादा नहीं, 8 mm की ग्लास का थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है, तो अगर आप 6 mm की ग्लास से बनाना चाहें तो 6 mm की ग्लास से बना सकते हैं, बट इसको यूरो ब्रेसिंग देना होगा। मैं एक बार बना कर नहीं बताऊंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि यूरो ब्रेसिंग किसको बोलते हैं, तो सिर्फ फ्रंट और बैक की 2 यूरो ब्रेसिंग लगाकर आपको इस साइज के फिल्म को 6 mm की ग्लास से बना सकते हैं। तो सेम टू सेम यही साइज 36 into 15 into 15 से भी आप बनाना चाहें तो आप यही सेम टू सेम 8 mm की ग्लास से बना सकते हैं, बट अगर आपको 36 into 15 into 24, अगर आप हाइट 2 फीट इसमें भी कर रहे हैं तो आपको अपनी ग्लास का थिकनेस बढ़ाना होगा, क्योंकि वही बात है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लेंथ भी इसकी ज़्यादा है और हाइट भी ज़्यादा है, तो आपको इसको कम से कम 10 mm की ग्लास से बनाना होगा। बट ब्रेसिंग अगर आपको नहीं देनी है तो, अगर आपको ब्रेसिंग अगर ब्रेसिंग से बनाना चाहते हैं तो आप इसको 8 mm से भी बना सकते हैं, बट आपको इसके अंदर ब्रेसिंग लगाना होगा, वो भी दोनों भी ब्रेसिंग लगाना होगा, आपको यूरो ब्रेसिंग भी लगाना होगा और सेंट्रल ब्रेसिंग भी लगाना होगा। तो और अगर आप सोच रहे हैं कि 24 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें तो वो नहीं लेना चाहिए, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 24 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक हाथ के जितना हो जाता है। अगर आप उसको क्लीन करने भी जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है उसको क्लीन करने के लिए भी, एंड रिस्क भी होता है बहुत ज़्यादा लीकेज का और ब्रेक ग्लास ब्रेक होने का। तो 24 इंच से ज़्यादा मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उससे ज़्यादा बनाएं, और इनफ भी हो जाता है। तो अब आ जाते हैं जैसे स्टैंडर्ड साइज एक्वेरियम पे जो हर कोई बनाता है 48 inches into 12 into 12, ये जो है सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड साइज है, हर कोई अपना एक्वेरियम जो है 4 फीट का बना सकता है, बाकी सब छोटे हो जाते हैं, बाकी और दूसरे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो 4 फीट का एक्वेरियम ऑलमोस्ट हर कोई बना ही लेता है। तो उसके हिसाब से अगर आप बनाना अपना 4 फीट का एक्वेरियम बनाना चाहते हैं तो यानी आप और उसकी डेप्थ 12 inches और हाइट भी 12 inches है, तो आप इसको 8 mm की ग्लास से बना सकते हैं विदाउट ब्रेसिंग। अगर ब्रेसिंग डालना है तो आप उसके अंदर सेंट्रल 8 mm की ग्लास से अगर आप एक्वेरियम बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको ब्रेसिंग लगाना पड़ेगी। 8 mm की ग्लास से भी 8 mm की ग्लास से भी अगर बनाते हैं तो इसमें ब्रेसिंग लगाना पड़ेगी, आपको यूरो ब्रेसिंग और सेंट्रल ब्रेसिंग दोनों करना पड़ेगा 8 mm की ग्लास से। मैं लिख देता हूं बोथ ब्रेसिंग, ओके। तो एंड उसके बाद आप 48 into 15 into 15 भी कर सकते हैं इसको, और उसके लिए भी सेम यही मेथड यूज करना है। तो अभी आगे उसके 48 into, तो 48 into 15 into 24 inches, अगर आपको 4 फीट का एक्वेरियम बनाना है 2 फीट की हाइट के साथ में तो आपको ये बनाने के लिए कम से कम 10 mm की ग्लास लगेगी, 10 mm की ग्लास लगेगी, और उसके साथ में आपको कम से कम 6 mm की ग्लास में ब्रेसिंग भी देना होगा। अगर आप चाहते हैं तो 24 इंच की हाइट रखना चाहते हैं तो आपको, ये आपका 4 फीट का एक्वेरियम हो गया तो उसके अंदर आपको यूरो ब्रेसिंग भी देना होगा, 2 इंच की या 3 इंच की यूरो ब्रेसिंग दे दें, उसके बाद सेंट्रल सेंट्रल में सेंट्रल ब्रेसिंग भी लगाना होगा आपको।
तीन ब्रेसिंग इस तरीके से दे सकते हैं, एक सेंटर में दे दिए, एक साइड दे दिए, एक ये साइड दे दिए, तो आप चार फीट का एक्वेरियम इस तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी 15 को भी 24 कर सकते हैं, उसके लिए भी सेम यही मेथड रहेगा। तो अभी हम बात जो करने वाले हैं वो 5 फीट का एक्वेरियम ही है, तो आप ये 5 फीट तो आप देख सकते हैं ये मैंने बना के रखा है। अगर आपका जो एक्वेरियम है वो 5 फीट का है एंड उसकी जो चौड़ाई है, जो उसका डेप्थ है वो 12 इंचेस है, हाइट जो है 12 इंचेस है, तो आप वो एक्वेरियम को आप 10 mm की ग्लास से बना सकते हैं विथ 8 mm की ब्रेसिंग के साथ है, बोथ ब्रेसिंग यानी कि यूरो ब्रेसिंग भी और सेंटर ब्रेसिंग भी, दोनों भी ब्रेसिंग बनाना होगा। 10 mm की ग्लास से और 8 mm की ग्लास से ब्रेसिंग दे सकते हैं। आप चाहे तो 10 mm की ग्लास से भी दे सकते हैं, बट अगर आपको कॉस्ट बचाना है, अपना पैसा बचाना है, तो आप 8 mm की ग्लास से ब्रेसिंग दे सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, तो अगर आप 5 फीट का एक्वेरियम बना रहे हैं एंड उसकी जो डेप्थ है वो 15 inches है और उसकी जो हाइट है वो भी 15 inches है, या तो फिर 18 inches डेप्थ है या फिर 18 inches हाइट है, तो उसके लिए सेम टू सेम ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। 12 mm की ग्लास लेके 8 mm की ब्रेसिंग देना होगा आपको सेम ऐसा ही, बट यहाँ पर 10 mm की ग्लास यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी डेप्थ भी कम है और हाइट भी कम है, बट यहाँ पर हाइट बढ़ जा रही है 15 और 18 हो जा रही है, 20 तक भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 12 mm की ग्लास यूज़ करना होगा एंड ऊपर साइड पे आपको यूरो ब्रेसिंग और सेंटर ब्रेसिंग दोनों यूज करना है 8 mm की ब्रेसिंग से, 8 mm की ग्लास से। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये 16 inches यानी कि 5 feet और उसकी जो हाइट है 24 inches हो रही है, जहाँ पर भी 24 inches हाइट है मतलब वहाँ पर ग्लास आपको मोटी ही लगाना होगा। एंड उसकी जो डेप्थ है वो 15 inches रखो या 18 रखो या 24 रखो, तो अगर आप 15 inches की डेप्थ रख रहे हैं एंड 24 inches की हाइट रख रहे हैं, तो आपको 12 mm की ग्लास यूज करने का है विथ 10 mm की ब्रेसिंग, बोथ ब्रेसिंग यानी कि यूरो ब्रेसिंग भी और सेंटर ब्रेसिंग दोनों भी यूज करना है, अगर आपकी जो डेप्थ है वो 24 inches है। बट अगर आप जो डेप्थ भी 24 inches कर रहे हैं यानी 20 inch के ऊपर जा रहा है एंड जो हाइट भी 24 inches है और उसकी लेंथ 5 feet है, तो वो काफ़ी बड़ा एक्वेरियम हो जाता है, काफ़ी हैवी हो जाएगा वो, तो उसके लिए आपको जैसे आप देख सकते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ, जैसे आप ये देख लीजिए ये आपका एक्वेरियम है, ये देखिए ये आपका एक्वेरियम है, तो ये 5 feet है एंड इसकी हाइट 24 inches है और इसकी डेप्थ भी जो है वो 24 inches है, तो आपको इसके अंदर ब्रेसिंग जो है 10 mm की ब्रेसिंग से देना है। अगर आप चाहें तो 12 mm की ही यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उसके लिए, बट कॉस्ट कटिंग के लिए आप 10 mm की ग्लास यूज करके आपको इसकी यूरो ब्रेसिंग देना है और साथ ही साथ में इसकी सेंटर ब्रेसिंग भी देना है, चाहे तो यहाँ पर एक भी दे सकते हैं, एक ही दे दीजिए, ये देखिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। और साथ में आपको नीचे भी मतलब आपके ग्लास एक्वेरियम के अंदर साइड में भी यूरो ब्रेसिंग देना होगा, तो समझ लीजिए ये आपका पीछे का ग्लास हो गया, यहाँ पर भी आपको एक ब्रेसिंग देना है और यहाँ पर भी आपको एक ब्रेसिंग देना है। अगर आपकी जो डेप्थ और हाइट दोनों भी ज़्यादा है 24 inches है और आपकी जो लेंथ भी है वो 16 inches है यानी 5 feet है, तो आपको ऊपर यूरो ब्रेसिंग और सेंटर ब्रेसिंग दोनों देना है और नीचे भी दोनों भी यूरो ब्रेसिंग देना है। तो आप देख सकते हैं आप 5 feet का एक्वेरियम इस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम जो 5 feet का एक्वेरियम का बात कर ली है, अब हमारा जो 6 feet का एक्वेरियम है, तो 6 feet का एक्वेरियम है तो मतलब 72 inches × 15 × 15 inches यानी कि 15 इंच की डेप्थ रहेगी और 15 इंच की हाइट रहेगी, तो उसके लिए आपको 12 mm की ग्लास यूज करना है एंड उसके अंदर 10 mm की ब्रेसिंग देना है, बोथ ब्रेसिंग यानी कि एक दो ब्रेसिंग है जो एक इनसाइड हो गया एक आउटसाइड हो गया, जैसा कि हमने 5 feet के एक्वेरियम में बनाया कि आपको इनसाइड में भी अंदर साइड में भी दो ब्रेसिंग लगानी है आगे और पीछे, तो आप उसके अंदर 10 mm की ब्रेसिंग लगा सकते हैं। 10 mm की ब्रेसिंग मतलब इनसाइड में मतलब यूरो ब्रेसिंग लगाना है और अपसाइड यानी कि टैंक के ऊपर साइड में आपको यूरो और सेंटर दोनों लगाना है, तो उसके लिए भी आप तीन सेंटर ब्रेसिंग लगा सकते हैं, दो साइड में और एक बीच में। तो उसके बाद अगर फिर 6 फीट का एक्वेरियम अगर आप 24 inches डेप्थ दे के और 24 inches हाइट भी दे रहे हैं,
तो आपको उसके अंदर 12 mm की ग्लास से बनाना है और 12 mm की ग्लास ही यूज करना है ब्रेसिंग के लिए भी। तो उसके लिए भी सेम वही मेथड है, इनसाइड में यूरो ब्रेसिंग और अपसाइड में सेंटर और यूरो दोनों लगाना है। आप अगर देखेंगे तो काफ़ी लोग जो है ऐसे ही बना देते हैं, मतलब बिना ब्रेसिंग के भी बनाते हैं या फिर सिर्फ सेंटर ब्रेसिंग यूज़ करते हैं और अंदर ब्रेसिंग नहीं भी लगाते हैं, तो वो एक्वेरियम की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वो एक ना एक टाइम आकर जब उसके अंदर लीकेज आ जाता है या फिर ब्रेक हो जाती है ग्लास, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो अभी इतना बड़ा एक्वेरियम अगर आप बना रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन से ही बनाएं। इसीलिए मैंने ब्रेसिंग के लिए ज़्यादा ही मैं प्रीफर करता हूँ कि ब्रेसिंग जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि अगर एक बार लीकेज आ जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। पूरा न्यू एक्वेरियम बनाना होगा आपको, या फिर उसको बनाने में फिर वो एक्वेरियम पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं इतना ब्रेसिंग यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। तो बस आप देख सकते हैं ये 6 फीट का एक्वेरियम आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी हमने 6 फीट का एक्वेरियम का ग्लास का दिख चुका है, अभी हम स्टार्ट करने वाले 7 और 8 फीट एक्वेरियम का। 7 फीट और 8 फीट दोनों भी एक्वेरियम जो है दोनों का बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, इसके लिए मैंने इस साथ बता रहा हूँ आपको। तो आपने देखा होगा मैंने 6 फीट एक्वेरियम से 6 फीट के एक्वेरियम से जब से बताना स्टार्ट किया उसके अंदर मैंने 12 डेप्थ और 12 हाइट का मैंने बताना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो बनाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अगर आप 6 फीट का एक्वेरियम बना रहे हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली बड़ी मछलियाँ ही रखेंगे। हाँ, अगर छोटी मछली रखना है आपको तो उसके लिए आप बना सकते हैं, बट मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि आप जब इतना लेंथ दे ही रहे हैं तो अच्छी जगह डेप्थ और हाइट भी दीजिए। इसके लिए मैंने 15x15 से ही स्टार्ट किया है इसके अंदर भी। तो आप देख सकते हैं यानी कि अगर आप 7 फीट का और 8 फीट का यानी कि 84 इंचेस और 96 इंचेस का अगर आप एक्वेरियम बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको 12 mm की ग्लास यूज़ करना है एंड उसके अंदर 12 mm की ब्रेसिंग देना है। जैसे कि हमारी जो एक्वेरियम बनाने का जो वीडियो थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हमने हमारा 8 फीट का एक्वेरियम बनाया है, तो आप ऊपर जाकर आई बटन में जाकर देख सकते हैं उसके अंदर हमने बनाया है। तो इसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से आप ये बताना चाहते हैं, तो आप 7 फीट और 8 फीट दोनों भी एक्वेरियम जो है आप इसी तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, समझ लीजिए ये आपका 8 फीट एक्वेरियम है, तो उसके अंदर आपको 12 mm की ग्लास यूज करना है टैंक बनाने के लिए एंड उसके अंदर आपको ये आपका जो इनसाइड ब्रेसिंग है जो मतलब टैंक के अंदर, तो उसके अंदर आपको यूरो ब्रेसिंग देना है एंड ऊपर साइड में भी यूरो ब्रेसिंग देना है एंड सेंटर ब्रेसिंग आपके एक्वेरियम के हिसाब से देना है। अगर 7 फीट का एक्वेरियम बना दें तो आप उसके अंदर 2 ही ब्रेसिंग दीजिए बीच में। अगर आपका 8 फीट का एक्वेरियम है तो आपको एक ब्रेसिंग और बढ़ानी होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 ब्रेसिंग जो है सेंटर ब्रेसिंग हो जाएगी, जैसे कि हमने हमारे 8 फीट के टैंक के लिए बनाया। एंड अगर आप 9 फीट का एक्वेरियम बनाते हैं और उसके लिए भी सेम यही डायमेंशन देते हैं, 24 इंचेस की डेप्थ है, 24 इंच की हाइट है, तो आप इसी तरीके से ही बना सकते हैं, बट आपको उसके अंदर यहाँ पर सेंटर ब्रेसिंग बढ़ानी होगी नीचे से, मतलब अंदर साइड में भी आपको टैंक के अंदर भी सेंटर ब्रेसिंग भी देना होगा 3 एंड ऊपर साइड में भी आपको 3 और 2 5 सेंटर ब्रेसिंग देना है, हीरो ब्रेसिंग भी लगाना है, तो आप उससे 9 फीट का एक्वेरियम भी बना सकते हो। बट अगर आप न्यू है, बिगिनर है, तो आप अगर सोचेंगे कि इतना एक्वेरियम बड़ा आप खुद बना सकते हैं तो मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा, एक एक्सपर्ट होना ही चाहिए इतने बड़ा बड़ा एक्वेरियम बनाने के लिए। और वैसे भी ये 1-2 लोग से तो बनेगा नहीं, आपको कम से कम 4-5 लोग चाहिए इतना बड़ा एक्वेरियम बनाने के लिए, क्योंकि ग्लास बहुत ज़्यादा हेवी होता है 12 mm का, तो 2-3 जन लगते हो बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं 8-9 फीट तक आप एक्वेरियम बना सकते हैं, आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। एंड अभी आपको मैं 10 फीट का एक्वेरियम में बताना चाहता हूँ। तो 10 फीट का एक्वेरियम अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्टली 19 mm लगेगा। 12 mm के बाद डायरेक्ट 19 mm इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 12 के बाद डायरेक्ट 19 mm की ग्लास ही आती है मोस्टली, तो ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने तो जितना भी रिसर्च किया हूँ, सर्च कर चुका हूँ बहुत कुछ, तो 12 mm के बाद डायरेक्ट 19 mm की ग्लास ही मिलती है, 15-18 तो कहीं भी नहीं मिलती है मोस्टली। तो अगर आप 10 फीट का एक्वेरियम बना रहे हैं तो उसकी भी जो डेप्थ है और जो हाइट है वो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ही देना होगा, छोटा सी नहीं बना सकते, उसके ग्लास के ऊपर प्रेशर आएगा बहुत ज़्यादा, थोड़ा तो भी पानी को जगह चाहिए फैलने के लिए। तो इसके लिए आप उसकी जो डेप्थ और हाइट जो है 36-36 रख सकते हैं, यानी कि 3-3 फुट रख सकते हैं। तो जैसे समझ लीजिए ये आपका 10 फीट का एक्वेरियम है, तो इसकी जो लेंथ हो गई 10 फीट, हाइट हो गया 3 फीट, चौड़ाई भी हो गई 3 फीट। तो अगर आप इतना बड़ा एक्वेरियम बना रहे हैं तो आपको उसको 19 mm की ग्लास से बनाना होगा एंड उसकी जो ब्रेसिंग है वो आप 12 mm की ग्लास से कर सकते हो। तो बट उसकी ब्रेसिंग जो है उसका भी जो मेथड थोड़ा अलग है, आपको ये यूरो ब्रेसिंग जो देना ही है 12 mm की ग्लास से।
साथ ही साथ में आपको सेंटर ब्रेसिंग भी देना होगा, जैसे समझ लीजिए एक यहाँ हो गया, दो यहाँ हो गया 12 रन की ब्रेस से, तो आपको काफी ज्यादा ब्रेसिंग देना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक हो गया 10 फीट का। एंड साथ ही साथ में अगर आप इतना ज्यादा हाइट दे रहे हैं टैंक को, मतलब 2 फीट से काफी ज्यादा हो गया, तो ये जो पैनल्स होते हैं ना, ये जो कॉर्नर्स होते हैं साइड पैनल्स, तो उसके ऊपर भी आपको ब्रेसिंग देना है। जैसे समझ लीजिए ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, यानी कि ये साइड पैनल्स है, तो साइड पैनल्स पे भी आपको यहाँ पर ग्लास लगाने होंगे ऐसे। तो जिस तरीके से आप अंदर साइड पे ब्रेसिंग देते हैं, वैसे ही अंदर से आपको यहाँ पर भी ब्रेसिंग लगानी होगी। तो इसकी भी जो चौड़ाई है 2 इंच रख सकते हैं या 3 इंच रख सकते हैं, 2 इंच काफी हो जाएगी। तो 2 इंच की पट्टी समझ लीजिए, 2 इंच इतना हो गया, तो 2 इंच की पट्टी हो गया और वो 3 फीट हाइट हो गई, मतलब आपके टैंक के अंदर की साइड। तो अंदर की साइज जो भी रहेगी उस साइज के हिसाब से आपको वो पट्टी कटवानी होगी और उसको ब्रेसिंग मतलब साइड पैनल्स के कॉर्नर पर चिपकानी है, और उसका जो कॉर्नर है वो फ्रंट पैनल के ऊपर आएगा, यानी कि जो कॉर्नर होता है वहाँ पर ब्रेसिंग के ऊपर जो सिलिकॉन होता है, वो सिलिकॉन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो वो सिलिकॉन ऐसे ऐसे फैलने लगता है, छोड़ देता है, फिर उसके अंदर पानी जाएगा, फिर एक टाइम आएगा उसके अंदर लीकेज आ जाएगा। तो इसके लिए ब्रेसिंग लगाते हैं, तो ब्रेसिंग से कैसा होगा, डबल ब्रेसिंग हो जाएगी, डबल ग्लास हो जाएगी, तो जिससे आपका ग्लास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे जिस तरीके से आप फ्रंट में दे रहे हैं, वैसे ही पीछे भी आपको देना होगा। एंड जो नीचे है वो आपको तो पता ही है, जैसे 8 फीट के एक्वेरियम है उसके अंदर आप यूरो ब्रेसिंग लगा रहे हैं, और इसके अंदर आपको सेंटर भी लगाना होगा कम से कम 4। तो आप इस तरीके से 10 फीट ऐसा नहीं करिए एक ही साइड पे, दोनों साइड पर आपको ये ब्रेसिंग लगानी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपना 10 फीट का एक्वेरियम भी बना सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर्स हैं तो इतना बड़ा एक्वेरियम खुद अकेले मत बनाइए, आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि इतना इतना साइज का उनका एक्वेरियम है, उनको बनाना है, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अब अगर चाहे तो किसी किसी को ऐसा होगा कि 96x15x15 बनाना है तो उसके यहाँ पे दे दिया, या फिर 20 इंचेस बनाना है, तो उसके हिसाब से आप अपने दिमाग से लगाकर बना सकते हैं। अगर आपकी हाइट 20 इंचेस से ज़्यादा हो जा रही है तो आपका एक्वेरियम का जो लीकेज के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट रहेगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है उस टैंक के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटा ग्लास यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अगर आप समझ लीजिए आपको 24 इंचेस से हाइट ज़्यादा बढ़ाना है कोई भी साइज के एक्वेरियम में, 5 फीट हो, 6 फीट हो, 7 फीट हो, 8 फीट हो, अगर आपको 24 इंचेस से हाइट बढ़ाना है, यानी कि 3 फुट का बनाना है या 2.5 फुट का बनाना है, तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको ब्रेसिंग लगाते हैं, खड़ी ब्रेसिंग बोल सकते हैं उसको आप इनसाइड में, तो वही ब्रेसिंग आप 7-8 फीट के टैंक में भी बना सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड इससे आपको हेल्प हो सके। तो जितने भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो ये उनके लिए है, जो भी अगर आप अपना टैंक बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने बनाया हूँ इतना, मैंने सिर्फ ये टैंक 10 फीट का एक्वेरियम नहीं बनाया हूँ, बाकी मैंने 8 फीट तक के जितने भी टैंक है वो सब मैंने बना चुका हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। एंड आज तक भी मेरा एक भी टैंक ऐसा नहीं हुआ जो लीकेज हुआ हो, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता आप लोगों को कि क्या कैसे क्या करना है, मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देना चाहता। तो बस फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।